मॉर्निंग एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स और प्रज्ञा साइंस कोचिंग सेंटर के छात्रों। माय डियर स्टूडेंट्स, आज जीके जीएस की उस सीरीज का नौवा सीरीज है। इस सीरीज के माध्यम से हम आपको प्रतिदिन 10% देते हैं जो रेलवे, बैंक, एसएससी इत्यादि परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। साथियों, हम आपको बता देना चाहते हैं कि यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको प्रतिदिन 10 प्रश्न मिले जो आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि ये प्रश्न वही होते हैं जो रेलवे, बैंक, एसएससी, यूपीएससी, बीपीएससी इत्यादि में पूछे जाते हैं। तो चलिए, हम अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं, आज का क्यू सीरीज हम शुरू करते हैं। ये जो सीरीज है यह नवा सीरीज है, यदि आप पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे जरूर देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के क्यू सीरीज का सबसे पहला प्रश्न है आपसे, आप ध्यान से सुनेंगे, इसका नोट्स बना लेंगे और बढ़िया से तैयारी करेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न ध्यान से। जहांगीर ने किसके द्वारा अबुल फजल की हत्या करवाई थी? विकल्प है वीर सिंहदेव, महावत खां, राजा मान सिंह या अस्करी। फिर से विकल्प, वीर सिंहदेव, महावत खां, राजा मान सिंह या अस्करी। आप ही कोशिश करें बनाने के लिए। इसका आंसर होगा वीर सिंहदेव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अंग्रेज दूत कैप्टन हॉकिंस एवं सर टॉमस रो किस मुगल बादशाह के दरबार में आए थे? फिर से क्वेश्चन, अंग्रेज दूत कैप्टन हॉकिंस एवं सर टॉमस रो किस मुगल बादशाह के दरबार में आए थे? विकल्प है जहांगीर, अकबर, शाहजहां या औरंगजेब। फिर से विकल्प सुन लीजिए, जहांगीर, अकबर, शाहजहां या औरंगजेब। इसका आंसर होगा जहांगीर। आप खुद भी कोशिश करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तेभागा आंदोलन के किसानों की प्रमुख मांगे क्या थी? विकल्प है मजदूरी बढ़ाना, सम्मानजनक व्यवहार की मांग, कुल उपज का 1/3 कर लेने की मांग या जमींदारी प्रथा का अंत। फिर से विकल्प सुन लीजिए, मजदूरी बढ़ाना, सम्मानजनक व्यवहार की मांग, कुल उपज का 1/3 कर लेने की मांग या जमींदारी प्रथा का अंत। तो इसका आंसर होगा कुल उपज का 1/3 कर लेने की मांग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 30 दिसंबर 1530 को हुमायूं का राज्याभिषेक कहाँ किया गया था? 30 दिसंबर 1530 को हुमायूं का राज्याभिषेक कहाँ किया गया था? 30 दिसंबर 1530 को हुमायूं का राज्याभिषेक कहाँ किया गया था? चलिए एक बात आपको बता दें, हुमायूं एक ऐसा शासक था जो अपने जीवन काल में अधिकांश युद्ध हार गया था, इस कारण से हुमायूं को कायर शासक भी कहा गया था। यहाँ तक कि हुमायूं की मृत्यु भी कायर की तरह हुई, यह सीढ़ी से गिर करके मर गया था, इस कारण से इसका नाम कायर रख दिया गया था। तो विकल्प दिया है आगरा, दिल्ली, काबुल या लाहौर। क्वेश्चन था 30 नवंबर 1530 को हुमायूं का राज्याभिषेक कहाँ पर किया गया था? आगरा, दिल्ली, काबुल या लाहौर। आपका आंसर होगा आगरा। अगला क्वेश्चन, शाहजहां की किस पुत्री ने कैद के समय उसकी सेवा की थी? विकल्प है रोशन आरा, जहान आरा, गुलबदन बेगम या उपयुक्त सभी। फिर से, शाहजहां की किस पुत्री ने कैद के समय उसकी सेवा की थी? रोशन आरा, जहान आरा, गुलबदन, उपयुक्त सभी। इसका आंसर होगा जहान आरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया था? विकल्प है श्री विश्वेश्वर जी, श्री गंगा भट्ट, गुरु रामदास या इनमें से कोई नहीं। फिर से विकल्प सुनिए, श्री विश्वेश्वर जी, श्री गंगा भट्ट, गुरु रामदास या इनमें से कोई नहीं। आप खुद सोचने की कोशिश कीजिए। इसका आंसर होगा श्री गंगा भट्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने मराठों की राजधानी को सतारा से
पूना स्थानांतरित किया था? निम्न से किसने मराठों की राजधानी को सतारा से पूना स्थानांतरित किया था? विकल्प है राजा साहू, संभाजी, बाजीराव प्रथम या बालाजी विश्वनाथ। फिर से विकल्प सुन लीजिए, राजा साहू, संभाजी, बाजीराव प्रथम या बालाजी विश्वनाथ। तो आपका आंसर होगा बालाजी विश्वनाथ ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी कर्नाटक की राजधानी थी? कर्नाटक की पहली कौन सी राजधानी थी? विकल्प है ओकार्ट, श्रीरंगम, तंजौर या चित्र त्रिचनापल्ली। त्रिचनापल्ली, फिर से विकल्प सुनिए, ओकार्ट, श्रीरंगम, तंजौर या त्रिचनापल्ली। तो इसका आंसर हो जाएगा ओकार्ट। ओकार्ट जो था वह कर्नाटक का राजधानी था। अगला क्वेश्चन, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किस मुस्लिम शासक ने करवाया था? फिर से विकल्प, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किस मुस्लिम शासक ने करवाया था? विकल्प है शाहजहां, कुतुबुद्दीन ऐबक, ग्यासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। फिर से विकल्प, शाहजहां, कुतुबुद्दीन ऐबक, ग्यासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। अब देखिए कौन सा आंसर होगा। इसका आंसर होगा, हम बताते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला और अंतिम क्वेश्चन है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई थी? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई थी? विकल्प है 18 जून 1857, दूसरा विकल्प है 18 जुलाई 1857, तीसरा विकल्प है 25 मई 1857, चौथा विकल्प है 29 अक्टूबर 1859। तो इसका आंसर हो जाएगा 18 जून 1857 को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई थी। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं अपने नए क्यू सीरीज में, जो कि 10वां क्यू सीरीज होगा, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो आप इस क्यू सीरीज को प्रतिदिन देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि रोजाना मात्र 10 प्रश्न आपसे किया जाएगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। यदि आप प्रतिदिन 10-10 प्रश्नों को तैयार करते हैं तो एक दिन विशाल प्रश्नों का ढेर लग जाएगा। अतः आप इस चैनल बने रहें और अपने परीक्षा की तैयारी करते रहें। फिर मिलते हैं कल। गुड बाय, थैंक यू।